मुंबई में है आज समाजवादी पार्टी के उन सभी सांसदों का जो है सम्मान समारोह जो लोकसभा चुनाव में जीते हैं और वो उत्तर प्रदेश से जो है करीब 35 से या 37 सांसद यहां पहुंच रहे हैं। मैडम आप कहां से पहुंची हुई हैं यहां पर? आज 37 जो है सांसद यहां पर आ रहे हैं, आप कहां से पहुंची हैं और यहां पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? हम कैराना से आए हैं, उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा लगती है, मैं वहाँ से सांसद चुनी गई हूँ। तो पार्टी की तरफ से सभी लोग यहाँ पर आए हैं, तो सभी लोगों का यहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब का और तमाम सभी समर्थकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम मैडम महाराष्ट्र में जो ये पूरा जो है यहाँ पर सभी सांसद आ रहे हैं, इसको जो है हम क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर आप इसको नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर जो है शक्ति प्रदर्शन है? हमारी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है इस चुनाव में, तो उसी की खुशी में सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बाकी तो इसमें अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए भी। कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन है और अब इसे नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए नेशनल पार्टी बन चुकी है हमारी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, तो नेशनल पार्टी होने में तो कोई शक नहीं है और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखिए कि यहाँ पर उन तमाम सांसदों का आना शुरू हो गया है जो मुंबई में आज जो है यहाँ पर बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के सभी सांसद जीते हुए हैं समाजवादी पार्टी के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में ये संदेश देना चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव में करीब 37 सीटें जीती है और अब वो नेशनल पार्टी अपने को बनाने के लिए जो है तैयार है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।